सच साहस सरोकार। शिखा मेहरोत्रा, शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। यूपी में 11 सीटों के लिए हो रहे राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा के सभी 8 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा के प्रमुख नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं भाजपा ने राज्यसभा के लिए राधा मोहन दास अग्रवाल, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, संगीता यादव, दर्शना सिंह, बाबूराम निषाद, सुरेंद्र सिंह नागर, मिथिलेश कुमार और डॉक्टर के लक्ष्मण को उम्मीदवार बनाया है। इस समय दुनिया के कई देशों से मंकी पॉक्स के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर यूपी सरकार भी अलर्ट मोड पर एक्टिव है। हालांकि भारत में अभी मंकी पॉक्स का कोई केस नहीं मिला है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहता है। दरअसल दुनिया के कई देशों से ऐतिहासिक ताजमहल के दीदार के लिए विदेशी पर्यटक आते हैं, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से आगरा के लिए विशेष आदेश जारी किया गया है और खास तौर पर विदेश से आने वाले पर्यटकों पर स्वास्थ्य विभाग पैनी नजर बनाए हुए है। और अगर किसी मरीज में लक्षण पाए जाते हैं तो ऐसे लोगों को 21 दिनों के लिए आइसोलेट करने की व्यवस्था कर ली गई है। इसमें ये देखा गया है कि स्किन इरप्शंस होते हैं और कुछ और बाकी सिम्टम्स भी आते हैं इसमें, बुखार आना, लिम्फ नोड, पेनफुल लिम्फ नोड होना। तो इन सब को देखते हुए ये अलर्ट, चूँकि यहाँ पे जैसा आपने कहा कि विदेशी पर्यटकों का बहुत आना जाना रहता है, इसलिए हम लोग उनको किसी को इस तरह की कोई भी संभावना हो, ख़ास तौर से ऐसे देशों से आने वाले जहाँ पर मंकी पॉक्स के केसेस दिखाई गए हैं, उनको हम लोग चिन्हित करके और ये देखना चाहेंगे कि यदि कोई सिम्टोमेटिक कोई भी किसी तरह का है सिम्टम है तो उसको 21 दिन का हम लोग आइसोलेशन करके उसकी सारा परीक्षण NIV। एक ऐसी महामारी जिसने देश ही नहीं पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया। मंकी पॉक्स एक ऐसी महामारी का है या एक बीमारी का है। मंकी पॉक्स का भी खतरा देश के अंदर मंडरा रहा है। इसी को लेकर ताज नगरी आगरा में स्वास्थ्य विभाग ने हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है। ताज नगरी आगरा में आइसोलेट वार्ड भी बनाए गए हैं। यहाँ पर तमाम विदेश से आने जाने वाले पर्यटकों पर ख़ास निगाह भी रखी जा रही है। एक भी व्यक्ति अगर संक्रमित पाया जाता है तो उसके लिए ख़ास वार्डों की व्यवस्था भी की गई है। 21 दिन के आइसोलेट में उनको रखा जाएगा अगर कोई संक्रमित होता है तो। अपने सहयोगी राशिद हुसैन के साथ जीशान अहमद, प्राइम टीवी आगरा। कोरोना महामारी के बीच दुनिया में मंकी पॉक्स का प्रकोप देखने को मिल रहा है। वहीं कानपुर जिला अस्पताल उर्सला के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर AK सिंह का कहना है कि मंकी पॉक्स जानवरों के जरिए इंसानों में पहुंचता है। आगे उन्होंने कहा कि पहले जो स्मॉल पॉक्स होता था वैसे ही इस बीमारी के लक्षण होते हैं, जबकि अगर ऐसा कोई मरीज पाया जाता है तो उसको आइसोलेट कर दिया जाएगा। जानवरों से आदमी को होता है, ठीक है। आदमी से आदमी में ट्रांसफर के बहुत कम संभावनाएं हैं, वो बहुत कम होता है। और जो पहले अपने यहाँ स्मॉल पॉक्स होता था जो अब नहीं हो रहा है, उसी टाइप की बीमारी है। वैसे ही शरीर में छाले पड़ते हैं, बुखार, बदन दर्द, इस टाइप की चीज़ें जो है जो स्मॉल पॉक्स में होती थी वही लक्षण। इस अलीगढ़ से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां विधवा महिला ने अपने जेठ पर नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने बताया कि 5 साल पहले मेरे पति की करंट लगने से मौत हो गई थी, जिसके बाद से ससुराल में ही रहना पड़ रहा था। फिलहाल पीड़ित महिला अस्पताल में भर्ती है। जेठ ने, क्या नाम है उनका? बबलू। अच्छा, आपके पति हैं? पति नहीं है आपका, शुरुआत हो गया उनका। कितना समय हुआ? 5 साल हो गए। शादी को कितने साल हुए आपके? गोंडा अलीगढ़ में थाना कौन सा लगता? खैर थाने लगता। तो ये जो बीमार हैं इनकी हालत बिगड़ी है, सस्पेक्ट है, ये कैसे? कुछ खिलाया गया किसके द्वारा?
जीट के द्वारा ऐसा क्यों करा, जीट ने क्यों खिलाया? ये पता नहीं है, अभी तो इनको पता होगी, उनको पता होगी। इनके पति हैं या नहीं है? पति तो खत्म हो गए। पति नहीं है इनके, खत्म हो गए। कितना समय हुआ? 5 साल। 5 साल पहले इनके पति खत्म हो चुके हैं। अलीगढ़ पुलिस ने एक हत्या का खुलासा किया है, जहां इंश्योरेंस कर्मी और ज्वेलर्स की हत्या के आरोपी निकले हैं। दरअसल कुछ दिन पहले एक महिला और उसकी मासूम बच्चे की हत्या कर दी गई, जिसके बाद से पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और सीसीटीवी कैमरे की मदद से एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना क्वारसी क्षेत्र में 26 तारीख को एक माँ और उसके बेटे की हत्या कर दी गई थी। उपरोक्त संबंध में तत्काल मेरे एवं अन्य अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया और मौके पर ही 5 टीमों का गठन किया गया था। उपरोक्त टीमों द्वारा 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करते हुए जो अभियुक्तों के फुटेज कलेक्ट किए गए और उसको प्रसारित किया गया सोशल मीडिया एवं अखबार के माध्यम से, और इसके क्रम में पब्लिक द्वारा सटीक जानकारी देते हुए दोनों अभियुक्तों की पहचान पुलिस द्वारा की गई है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है, ये एक अन्य ज्वेलर है जिसका नाम अतुल वर्मा है और जिसकी अतुल ज्वेलर के नाम से थाना हरदुआगंज क्षेत्र में दुकान है, और उसका जो साथी। और ऐसे एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां एक महिला रिश्तेदार से वापस आ रही थी, तभी वहां से कार सवार लोगों ने बुजुर्ग महिला को गाड़ी से बैठा लिया और बैंक अधिकारी का परिचय देकर महिला से आभूषण ले लिए। हमारे साथ हरचंदा पर बैठे थे, वहाँ पर एक सवारी आई ऑटो, उसमें 3 लोग बैठे थे। वहाँ उन्होंने कहा तुम्हें बैठ लिया, मैंने कहा हम नहीं बैठे, मैं लड़का हाथ ले वहाँ नहीं बैठा, बैठा जोरा भरी मैंने बैठा लो। अब लड़का मुझे दिखाई पड़ो गढ़िया की थी, तो हमने उसके जो ताते मुझे लड़का मेरे आई हो, तो मैंने ठेकिया बंद कर लिया और धमकी देने लगे कि जो कुछ है कागज दो जब मैं बंद करके थक दे। 3 लोग बैठे दोनों, एक जवान है तो एक लड़का है, तो एक ने कहा को मेरे को एक लड़का कैसा बैठ लड़का। फरुखाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद है, जहां दिन दहाड़े खेत जा रहे लोगों पर दबंगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और इस दौरान 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना ये गाँव में गए उधर मका काटने के लिए, उनको बुलाने। कितने बजे गए होंगे लगभग? 6:30 एक टाइम होगा, सुबह 6 बजे। अच्छा, गए थे फिर वहाँ से बुलाया, वहाँ से हम लोगों ने घेर के इनको मारने लगे, फायरिंग वायरिंग करी। अच्छा, फिर हम लोगों को मालूम हुआ, हम घर पे गए। किन लोगों ने? टीटू, बबलू, प्रदीप और भीर। अच्छा, और एक बेटा का लड़का है उसका भी नाम टीटू है। अच्छा अच्छा, तो ये लोग दबंग लोग हैं क्या? दबंग है। किन लोगों ने गोली मार दी? गोली बबलू, प्रदीप, टीटू, राजू, राम, नरेश। कोई बात हो गई थी पहले? उसको भी बात था। अरे लड़की का पता लगा लेगी नहीं गई हो, और गाय भाई लिखा हमारे पता नहीं कहा। अभी कमालगंज से राम सिंह आए थे, 50 वर्ष के थे, उनको हाथ से बहुत ब्लीड हो रहा था, तो यहाँ पर सर्जन थे अवेलेबल नहीं थे, तो हमें उनको हैलेट में रिफर करना पड़ा। अच्छा, और इनके साथ और भी घायल थे कुछ? हाँ, इनके साथ 3 लोग और, वो भी उनके के सर में चोट लगी, किसी के हाथ में चोट लगी, सारे काम लोग ने फर्स्ट एड। गाजियाबाद से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने प्रेमिका के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे प्रेमिका गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी। सिद्धार्थनगर जिले में 20 दिन पहले बनी सड़क में अब नया मोड़ सामने आ गया है। सड़क टूटने की वजह से ओवरलोडिंग का मामला सामने आ रहा है। अवैध खनन की वजह से ट्रक का आवागमन इस सड़क पे काफी बढ़ गया है। बालू की ढुलाई कर ट्रक बंधे पर चढ़ने से पहले ही फंस जा रहे हैं, जिससे जेसीबी के जरिए इन ट्रकों को निकाला जाता है। करीब 9 करोड़ की लागत से बनी निर्माणाधीन सड़क जर्जर हालत में पहुंच गई है। इस मार्ग पे लगभग ये इसकी लंबाई है 10 किलोमीटर, जिस पे लगभग 8 किलोमीटर लेपन का कार्य अभी वर्तमान में हुआ है, 8 किलोमीटर से कुछ कम, और इसके 3rd किलोमीटर में एक खदान है, खदान बालू की खदान है,
तो वहाँ से जो भारी वाहन आ रहे हैं इस तीसरे किलोमीटर में, और वो हमारे इस नवनिर्मित मार्ग के ऊपर से होके गुजर रहे थे, तो उनकी खदान से जो बालू लाई जा रही है उसमें बहुत भारी एक तो लोडिंग है, दूसरा उसमें पानी साथ में आ रहा है, तो वो रोड पे आके जहाँ जहाँ खड़े हो रहे हैं वहाँ उनके पानी गिरने से मार्ग पे कुछ क्षति हुई है। सर देखिए, रास्ता तो एक रास्ता हम लोगों का ये है, एक रास्ता उस साइड से है नदी के उस पार से, दो रास्ता हम लोगों का है, तो उस रास्ते से बड़ी गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं क्योंकि गांव के अंदर से होके जा रहा है, तो वहाँ पे बच्चे हमेशा खेलते कूदते रहते हैं तो दिक्कत हो ना हो जाए, इस वजह से हम लोग उधर से नहीं ले जाते हैं बड़ी गाड़ियाँ, उधर से ट्रालियाँ जाती हैं और इस रास्ते से हम लोग जो है बड़ी गाड़ियाँ लेके जाते हैं, और बड़ी गाड़ियों का हम जो लोग माल देते हैं उसमें अंडर लोड करके ही देते हैं। फिरोजाबाद में एसओजी टीम और थाना उत्तर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई को बड़ी सफलता मिली है। इस एक्शन के दौरान पुलिस ने दो पहिया और चार पहिया वाहन चुराने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए चार वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जबकि पुलिस गैंग के अन्य फरार सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं इस दौरान पकड़े गए चोरों के कब्जे से दो चोरी की कार समेत चोरी की मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद की है। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।